You've been shattered, you've been broken down. Heart is beating, still won't make a sound. It feels like an angel straight from heaven, just like my lucky number 7. You're my shooting star. We're running round in circles. Love feels so invincible. Feel you when there's no one around. Your beauty's so amazing. I will always hold you down. Your heart will be kept safe and sound. But I don't wanna love you when I'm fading. तो दोस्तों अभी जो आपने सारे सीन सीनरी देखे वो हमारे वॉक के थे। एक ट्रैफिक यहाँ पर बहुत है। तो ये है, यहाँ से पूरा आपको नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पूरा नज़ारा है जो आप देख रहे हो। तो वहाँ से नीचे से ऐसे ऊपर होकर आए हैं और अब यहाँ पर एक म्यूज़ियम है, हम वहाँ पर जाने वाले हैं। और ये देखिए ट्रैफिक की समस्या, ये देखिए। तो इट इज़ अ कॉमन इन मनाली एंड अदर इन हिमाचल प्रदेश रीजन, लेकिन काफ़ी मज़ा आया। अभी तक हमने थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट किए और यहाँ के कुत्ते भी बहुत प्यारे हैं, ये तो मैं कहना ही भूल गया था। तो अब एक म्यूजियम है, सो हम देखेंगे। इंटरनेशनल रियोरिच मेमोरियल ट्रस्ट ऐसा कुछ है, ये देखिए। सर पीछे कोई सुर रह गया? नहीं नहीं, तो ये पूरा एरिया है, ये नगर है ना, नगर, ये नगर का पूरा एरिया है। और यहाँ पर सब कुछ, ये देखें सारे घर वगैरह सब कुछ, ये देखें।
लेते हुए, एडवेंचर का मजा लेते हुए, और आई होप आपको भी मजा आ रहा होगा। ऐसे ही एडवेंचर्स के लिए आपको मनाली आना होगा, गुजरात में भी है, अलग अलग पोलो फॉरेस्ट में है, तो जरूर से विजिट कीजिए। तब तक मैं ये सब कुछ कंप्लीट करता हूँ और आप भी देखिए, मैं भी कंप्लीट करता हूँ। तो दोस्तों यही था, मतलब पूरा एडवेंचर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से पूरा ऐसे चलकर यहाँ से था, और ये देखिए वादियाँ सब के बीच में, पीछे भी है, ये देखिए पीछे भी काफ़ी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब क्या कहे, मतलब ऐसा सोच रहा हूँ कि इसके लिए कौन सा शब्द मैं इस्तेमाल करूँ, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा। गुजरात में भी ऐसे बहुत सारे एडवेंचर स्पॉट है जहाँ पर आप कर सकते हैं पूरा एडवेंचर, लेकिन यहाँ पर आकर ये करने का मज़ा ही कुछ और होता है। और कोशिश करेंगे, सर के साथ भी बात तो हुई है कि लास्ट जो डे था, मतलब होगा हमारा इस टूर का, तो वी कैन डू रिवर राफ्टिंग। तो देखते क्या होता है, तो बस बने रहे, कल से हमारा ट्रैक शुरू होने वाला है। तो अभी जाकर भजिया का प्रोग्राम है, क्योंकि स्पेशल गुजराती जहाँ होते हैं तो हम कुछ ऐसा ही बनाते हैं। फिर शाम को सब बैठेंगे कैंप फायर की, ये देखिए कैंप फायर की बहुत ही अच्छी सी जगह है, और ये देखिए पूरा माहौल। तो बने रहे दोस्तों इस वीडियो में। हिमालयाज लिखा होता है। अंग्रेज यहाँ पे आए, उन्होंने हमारे सारे कल्चर का ख़राब किया, राम को रामा कर दिया, अशोक को अशोका कर दिया, योग को योगा कर दिया, और हिमालय को हिमालयाज कर दिया। हिंदी या संस्कृत में आपने हमेशा कहीं भी पढ़ा होगा, तो हिमालय एक सिंगुलर वर्ड है। तो दोस्तों शाम का डिनर हो चुका है, और फाइनली कल हम जाने वाले हैं ट्रेकिंग करने के लिए। तो यहाँ से हम टोटल, मतलब है तो 35 है ना सर, 35 लोग हैं, तो यहाँ से जानेंगे। और सवेरे 7:30 बजे हम यहाँ से जाएंगे। वैसे तो ट्रेकिंग 8:30 बजे से शुरू होगा। रूट कुछ इस प्रकार का है, यहाँ से 5 किलोमीटर तक हम बाय व्हीकल जाने वाले हैं। वहाँ पर 500 साल पुराना भगवान शंकर का मंदिर है, तो वहाँ पर माथा टेक कर फिर ट्रेकिंग की शुरुआत करेंगे। तो अभी कैंप फायर वगैरह है, तो देखते हैं अगर कुछ इतनी ज़्यादा अच्छी एक्टिविटीज़ होंगी आपको भी दिखाएंगे। और उसके बाद ऋषभ भाई से मुलाकात होगी, इन टेंट में से बोल रहे हैं। बैग का वजन, लगेज का वजन। तो तीसरा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होगा दोस्तों, एंड आई होप आपको भी ये सीरीज देखने में उतना ही मज़ा आया होगा। हम भी मज़े कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं सब कुछ, और अभी आप देख रहे हो, देखिए हम
ये अभी तो रोज अभी उतना नहीं आपको दिखेगा, लेकिन विदाउट स्मोकिंग हम स्मोकिंग करें तो वी आर डूइंग हेल्दी स्मोकिंग, हेल्दी स्मोकिंग। तो वैसे तो अब देखिए व्लॉगिंग करने में तब मज़ा आता है जब सब इकट्ठे एक साथ होते हैं, तो बहुत ही अच्छी। पहले तो लोकेशन है, टेंट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस प्रकार का पूरा टेंट है सारी जगहों पर, और ये अंकल डॉक्टर अंकल, इन्होंने काफ़ी अच्छे ट्रैक किए हैं और हमारे लिए नाश्ता लाए हैं। अरे सर अब आप जो शो बता तो अंकल 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 टू मिनट यस कुछ कहना चाहेंगे। हाँ हाँ तो ये अंकल हमसे भी काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रैक करके आए हैं। अंकल आज के जो नौजवान है ना वो जल्दी हार मान जाते हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? बस कभी हार मत मानना जिंदगी में, और कभी जिंदगी की एज मत काउंट मत करना कि 26 साल हुआ, 30 साल हुआ, 35 साल हुआ, दिस इज जस्ट नंबर। यस बस ओके, मन से हमेशा जवान रहे। ओके थैंक यू थैंक यू अंकल। तो बने रहिए दोस्तों, और कल प्रॉपर ट्रैक हमारा शुरू होने वाला है, सो आई होप कि आपको भी एंजॉय मतलब आप एंजॉय कर रहे होंगे, मज़ा आ रहा होगा। तो अभी तो पूरा चारों तरफ अंधेरा है, लेकिन ट्राई करेंगे कल सुबह थोड़ा जल्दी जगने का, क्योंकि सामने जो बर्फ है ना वहाँ पर बहुत ही एक अच्छा सा नज़ारा आता है जब सनराइज वहाँ पर होती है, तो एकदम गोल्डन सा पूरा हो जाता है, लेकिन वो कुछ ही मिनट तक होता है, उसके बाद फिर जो नॉर्मल होता है वही हो जाता है। कुछ सीन वगैरह आपने देखे वो सनसेट के थे जो अभी पीछे मैंने आपको उस प्रकार से मतलब दिखा है, तो काफ़ी मतलब मैं आपको बयां नहीं कर सकता या मैं आपको बता नहीं सकता, वर्ड्स जो है वो कम पड़ जाएंगे क्योंकि ये कुदरती ऐसी है। ज़्यादा बात नहीं करूँगा, जल्दी से इस व्लॉग को कंप्लीट करते हैं, कल फोर्थ एपिसोड में जल्दी लाऊंगा। तो दोस्तों एक तो मैं बात आपको बताना भूल ही गया, टेंट मैंने आपको दिखाया नहीं, अंदर से टेंट कैसा दिख रहा है, तो आप देखिए पूरा ऐसा पूरा टेंट है। ये सेम नाम वाला मेरा बंदा करण, और ये देखिए पूरा गद्दे वगैरह है, सब कुछ है। और यहाँ पर भी अभी जो है ना हम वो कल जो ट्रैक करने जाने वाले हैं ना, तो ये छोटा सा बैग पैक कर रहे हैं ताकि वही सारी चीज़ें जो है हम ऊपर ले जा सके, तो बना उतना कम चीज़ें ले जाएंगे। 5 दिन ऊपर हम रहने वाले हैं, जो 5th डे होगा तब हम नीचे जाएंगे दोपहर तक। तो मिलते हैं, कंटिन्यू रहेगा ये व्लॉग, सो हैव एंजॉय इट।